आप भी आइए ना। साजिद जी मैं पीछे, आप पीछे अंदर मैम, थोड़ा आप पीछे चले, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, घूम करो। अरे फ्रेम में नहीं आ रही, थोड़ा पीछे आओ ना भाई, रोको भाई, अपन पीछे आओ ना थोड़ा सा। हाँ चलेगा, नहीं 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 नहीं, बस बस बस, यहाँ देखिए सेंटर में, फाइनली प्रियंकित आफ्टर लॉन्ग टाइम, यो सेंटर सेंटर ऑल ऑफ यू, एकदम सेंटर, राइट राइट राइट, ऑल ऑफ यू राइट राइट, एकदम सेंटर 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 सेंटर, यहाँ पे सेंटर सेंटर, आपके सेंटर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ऑन योर सेंटर, अप सेंटर, अप सेंटर, अप गया। हाँ उन दोनों का साथ, इन दोनों का सोलो, मैम सर सेंटर है, बहुत भैया सर आपके थोड़ा सा लेफ्ट, बहुत भैया राइट राइट। प्रियंका जी कोई नया गाना आ रहा है क्या साथ में? नहीं अभी नहीं आ रहा। ऊपर ऊपर ऊपर, अंकित भाई सेंटर, आपके सेंटर 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 अप, हो गया हो गया, सोलो कर लेते, सोलो 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 कर लेते, मैम लोग स्टार्ट कर दो। प्रियंका मैम सेंटर, प्रियंका जी ऊपर, मैम यहाँ पे सेंटर, थोड़ा घूम जाओ मैम, आप एकदम सेंटर, थोड़ा सा लेफ्ट, मैम राइट राइट लेफ्ट, आपके लेफ्ट प्रियंका, आपके लेफ्ट मैम, थर्ड डाउन, नाइस लुकिंग इन पिंक ड्रेस, थैंक यू, भाई का अंकित भाई, अंकित भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये विरल के बंदे से मैं बात कर रही हूं, ये विरल के बंदे ने बहुत दुखी किया हुआ है। अंकित भाई ऊपर, अंकित भाई लेफ्ट, आप अंकित भाई सामने सामने, आपके अंकित भाई राइट राइट, थैंक यू। साजिद सर आपका भी सोलो, अरे मैं यार नहीं, साजिद सर आ जाओ आ जाओ, साजिद सर आ जाओ, मोबाइल का पीछे रखना सर, आपके सेंटर सर, यहाँ पे लेफ्ट में साजिद सर है सेंटर, साजिद सर ऊपर लाइट के पास सर, डाउन थोड़ा सा सेंटर सेंटर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। कृष्ण भाई हाँ भाई, एक मिनट रुक जा, अरे ये कॉर्नर पे जगह है, ये साइड से जा भाई, एक मिला फ्रेम मिला, नहीं नहीं मुझे नहीं, वो तू इधर आ जा ना, ये भी पकड़ो ना, टैग ये वाला, ये डाउन हो जा, डाउन हो जा, अरे प्लीज रोल करो, चलो रोलिंग, वेल प्रियंका अंकित एक बार फिर साथ में, साथ ही साजिद सर भी है, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं बोलना चाहूंगा डायरेक्टर भी है, हीरो हीरोइन भी है, और प्लान कर कैमरा भी, डिपार्टमेंट भी प्लान करो। नहीं नहीं, हमारी घर में बात होती थी कि हम बाहर जब मिलेंगे तो मिलेंगे, ये जब से घर से निकला, ये घर से ना मुझे दिखा ना, पहली बार बॉम्बे आया हूं, हां पहली बार ये मुंबई आया, तो आज हमारा वादा था एक दूसरे को मिलना, हम एक कॉमन फ्रेंड के यहां पे मिल रहे हैं, और अच्छा लगा प्रियंका से तो बात होती रहती है, हाँ अंकित से, जबकि जब मेरा घर से एग्जिट हुआ था तो ऑलमोस्ट डेली बात होती थी हमारी, बट आई एम सो हैप्पी टू सी हिम नाउ। अंकित कैसा लग रहा है मुंबई आके? ओह फील्स लाइक होम, और मुझसे मिलके बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, ऑफ कोर्स बॉम्बे इज हैज बीन माय होम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई मिस बॉम्बे। मैं ये भी नहीं बोल सकती कम बैक सून, बिकॉज आई रियली वांट हिम टू डू लाइक, इसका सीरियल अच्छा चले, अभी अच्छा काम करे, बट आई विल कीप कमिंग। लेकिन देखिए सॉरी, ये एक चीज़ तो ऑलमोस्ट प्रूव हो जाती है कि जो दोस्तियां घर के अंदर होती थी वो सिर्फ कैमरा के लिए नहीं होती थी, हाँ वो बाहर भी हमने मेंटेन की है, इसलिए नहीं क्योंकि मेंटेन करना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि हम जेन्युइनली कनेक्शन बन जाता है, दोस्त बने, हाँ दोस्त बने, तो आई एम सो हैप्पी टू सी हिम। मुलाकात हो गई तो अभी तक हमने कुछ ज्यादा नहीं, बस लंच करके आए थे, वही एंजॉय किया। बट लंच करने गए कितने बजे? लंच करने ये लोग 5 बजे गए, ये अंकित का टाइम टेबल, लेट हो गए थे, अभी तो छुट्टियों पे हो ना आज 2 दिन, लंच 5 बजे करता है,
वेल अगर साजिद सर जैसे कि कहा कि हीरो हीरोइन है और साथ ही डायरेक्टर भी, अगर कोई मूवी बनाने का मौका मिलेगा तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, अगर कोई अच्छा सब्जेक्ट हो। आशिकी 4 सर, आशिकी 4। आशिकी 4 तुझे तो ले लेंगे, मुझे कौन लेगा उसमें। राइट वेल, साथ ही अंकित आपका तो सीरियल बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन आपने ऐसा क्यों बोला, बहुत ही अच्छा चल रहा है? बड़ा अच्छा चल रहा है, आई विल लाइक दिस स्टोरी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, प्रियंका को लोग देखने के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, खतरो आ रहा है, बहुत सारे प्रेडिक्ट हो रहे हैं कि प्रियंका इस बार आने वाली है, आप क्या कहना चाहोगे, प्रियंका को देखना चाहते हो? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जो अभी तक लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं उनको प्रिडिक्शन ही रहने दो, और व्हाटएवर शी विल डिसाइड, व्हाटएवर शी वांट्स टू डू, आई एम श्योर शी विल डू विद अ बैंग, और बहुत जल्दी बहुत ही कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा। नहीं लेकिन हम हमेशा देखते थे बिग बॉस के घर में, आप कुछ ना कुछ सलाह देते ही रहते थे, प्रियंका आपको वो सलाह सिर्फ मुझे ऐसे अकेले में समझाता था ना। अच्छा बिग बॉस के घर में कौन किसको सलाह नहीं देता था? एग्जैक्टली, तुझे को सलाह ही तो देते, हम दोनों बात नहीं कर रहे होते थे फिर भी हमारी सलाहें, हां सलाह तो चलती जारी रहती थी। अगर शो अगर कोई देखना चाहते हो प्रियंका को, अगर कोई शो में, तो किस तरीके का शो होना चाहिए आपसे पूछा जाए? वो किस तरह का शो तुम करना चाहती हो? कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो कि एक्चुअली बहुत स्ट्रांग हो, जो मुझे उतना अट्रैक्ट कर सके। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर समथिंग लाइक यू नो हाई एक्शन ड्रामा, हाँ मतलब काइंड ऑफ वेरी ऐसा कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए, और ये बोल रही है वो शो करना चाहती हूं जिसमें टीआरपी सबसे मैक्सिमम हो। यस, और मे बी together a very intense love story. No. साथ ही जिस तरीके से दोस्ती की बात आती है, लेकिन दोस्ती के अभी कुछ क्लिप्स हमने ऐसे देखे, अब्दू के भी देखे हैं, स्टैंड के भी देखे हैं, लोग बहुत ज्यादा उसके ऊपर बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन एज अ आई थिंक देखिए मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की उम्र देखिए आप, एक 19 साल का, एक 22 साल का है, दोस्तों में तो थोड़ा मन मटाव होते रहता है, कौन सी बड़ी बात है। आई एम श्योर एक बार जब अब्दू नीचे आएगा या व्हेन ही कम्स टू मुंबई, हम बैठ के सब साथ में खाना खाएंगे, जस्ट टेक्स वन हग, फोन पे बात हो भी गई। आई थिंक ये सारी चीज़ों में ना मसाला डाल के ज्यादा सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हाल ही में अर्चना को भी जब पूछा गया, अर्चना के तो कुछ अलग ही, इसीलिए तो वो अर्चना है, वो अर्चना है ना, मैं सेम बोल रही थी, वो अर्चना है ना। अर्चना की बातें ऐसी रहती है, आपको तो पता ही है, सबने तो देखा है। अंकित जैसे कि रियूनियन टाइप होगा, अभी आप आए हो तो किस किस से मिलना चाहते हो, सभी बिग बॉस के जितने भी आपके फ्रेंड्स? मैं एक्चुअली जिस से मिलना चाहता हूँ बिग बॉस से, वो दोनों यहाँ खड़े हैं, और किसी से नहीं। मैं आई एम समबडी जो बहुत मुश्किल से दोस्त बनाता है, और ऐसा मेरा बॉन्ड घर में किसी के साथ बना नहीं, तो जिनके साथ बना है उनके साथ मैं खड़ा हूँ, और बस। वेल लास्टली, जो इतने सारे कमेंट्स अब तक आए हैं, प्रियंकित के जितने फैंस हैं इतने कमेंट्स करते हैं, कितने कमेंट्स आप पढ़ते हो, और सबसे बेस्ट आपको क्या लगा है, सच बता दीजिए? सच बता दीजिए, झूठ मत बोलिएगा। कमेंट्स में बहुत सारे पढ़ते हैं, जितना भी टाइम मिलता है उसमें जितना भी कमेंट्स, शायद इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, डीएम्स बेसिकली कभी कभी ऐसे देख ही लेते हैं, तो बीच बीच में बेसिकली जहाँ स्टोरी वगैरह में मेंशन होता है, जस्ट एंजॉय, हम ऐसा इतना कुछ सोचते नहीं है, बट वी जस्ट एंजॉय, इट्स अ फेज, एंड बहुत मुश्किल के बाद ये फेज आया, तो वी जस्ट एंजॉय, वी जस्ट एंजॉय। वेल साथ ही और कुछ कहना चाहोगे सभी फैंस को, क्योंकि वो तो चाह रहे थे कि बहुत टाइम से कि आप दोनों एक साथ मिले, और आज मिल चुके हैं, बहुत ही जल्द वो देखने भी वाले हैं। एग्जैक्टली, तभी तो हमें पता है कि वो लोग कब से वेट कर रहे हैं कि प्रियंकित को एक साथ देखें, तो फाइनली ये भी टाइम निकाल के आ गया, एंड प्रियंकित हियो, हम यही हैं, और साथ में हमारे साजिद जी भी हैं। हाँ, तो ये ट्राई हो देख रहे हैं, ये सोच लीजिए इन दोनों के बीच में मैं खड़ी हूँ, बिकॉज़ नहीं नहीं इसके साथ हम दोनों खड़े, क्योंकि ये राजा जी था, हम दोनों शाही कुक। सो दे बोथ आर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स। सो मैं इनसे पूछ भी रही थी कि साजिद जी आपको दोनों को अकेले बॉयज टाइम चाहिए, तो वो भी कर सकते हो एंजॉय, इट्स फाइन, देन आई वाज लाइक कि चलो चल ही लेते हैं। सर एक आखिरी सवाल, यू नो कितना भी बिग बॉस ख़त्म हो गया हो, लेकिन कभी भी फ्री टाइम में हम बैठे रहते तो कुछ ना कुछ यादें आती ही है, वो फ्रेंड्स का मिलना, कुछ ना कुछ हंसी मजाक, कोई एक चीज़ जो आपको बहुत याद आती है? आई थिंक मुझे जेन्युइनली, अगर मेरे को सच्ची, और मैं तो आई एम इन टच विद ऑल ऑफ देम, बट मुझे जेन्युइनली दिल से बोल रहा हूँ मैं, मुझे अर्चना के खाने की बहुत याद आती है, वो बहुत 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 अच्छा खाना बनाती थी।
जेन्यूनली। तो मैंने उसको बोला भी है जब वो आएगी तो हम सब मिलके खाना खाएंगे, अगर वो पकाएगी तो, नहीं तो वो ऐसे पकाती है ऐसे वाला नहीं पकाना पकाने के लिए वो हमेशा हाँ बट वो खाना बेचारी बहुत दिल से बना के खिलाती थी, वो आई रियली मिस दैट। थैंक यू। एक सिंगल बाइट। इसको ऐसे कर लेना किडनैप, फिर तुम रुक इसको लपेट ले। अंकित भाई को लेके तू मैं कहीं नहीं जाने देना, एक बार अच्छे से बोलो ना पकड़ के, ये मेरा है और इससे मैंने कहीं नहीं जाने देना। यस पास में रखना, पकड़ के बांध लेना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू साजिश।